हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आज आपको कुछ नया दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा। हमारे ये नीतीश बाबू हैं, ये हमारे नीतीश बाबू हैं, नीतीश जी देखिए आप। और ये हमारे अवनीश भैया हैं, ये भी सब्जी काट रहे हैं, अच्छे सब्जी बना उना लेते हैं। देखिए दही वही लाए, बैगन आराम समझते बनाएंगे सब्जी, और ये भी बहुत प्यार से सब्जी बनाते हैं। तो आप बताओ अभी दर्शकों को, थोड़ा बताइए आप भी कैसे सब्जी, मतलब कैसा बनाते हैं और क्या अनुभव करते हैं बनाते समय? भाई हम क्या बताएं, हम बस बना लेते हैं। अरे बना लेते हैं, बैचलर हैं हम तो, डिग्री थोड़ी हमारे पास, कम से क्या है। अरे ठीक है, लेकिन आप थोड़ा इनको बताइए ना, ये आप कैसे भी खा लेते हैं और कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, और नीतीश सर आपको कैसा अनुभव हो रहा है प्याज के? जब वाइफ आएगी ना तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा। ऐसा है? हाँ, तो ये तो सिखाएंगे। बहुत अच्छी मतलब बनेगी, देख लीजिए अभी से दूरिया बना के रहिएगा। सब्जी बनाना तो सिखा ही देंगे, इतना तो है। तो भाई अनुभव नहीं बताया अभी, ये अनुभव बताओ। बैचलर लाइफ में यही है, बस कैसे बनाओ खा ले, बस इतना कुछ नहीं है भाई। हाँ, तो आप लोगों ने देखा अभी, और अभी भैया ने क्या बोला कि ऐसे ही अपनी बैचलर लाइफ है, इसे बना लेते हैं खा लेते हैं। और ये नीतीश सर के, नीतीश बाबू के जो आएंगे वो क्या बोलते हैं, उनकी बीवी आएगी तो उनसे अनुभव लेंगे और ऐसा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अभी आगे क्या होता है। अभी थोड़ा अनुभव हम भी लेते हैं, नीतीश बाबू से लेते हैं, ठीक है दोस्तों? नीतीश बाबू से कुछ अनुभव लेते हैं और ये क्या बोल रहे हैं बताइए, आपको कैसा अनुभव मिल रहा है? प्याज छील भी रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं अभी भैया, प्याज छील भी रहे हैं? उनकी लाइफ में प्याज ही छील रहा है। क्या बोल रहे हैं कि बस प्याज छील रहे हैं आपके लाइफ में, बताइए कुछ। प्याज छीलना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी आप बनाएंगे ना उसमें प्याज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो तो है, प्याज का बहुत इम्पोर्टेंट होता है और प्याज छीलना बहुत जरूरी होता है। और मैंने सुना है कि आप जब प्याज वाज छीलने वाले जो होते हैं, उनकी शादी होती है, उसकी क्या बोलते हैं, लड़की की माता जी होती है, वो बहुत मानती है, ऐसा कुछ है क्या, आप बता सकते हैं इन दोस्तों? मैंने सुना है कि ऐसा कुछ लड़की लोग जो प्याज काटते हैं बंदे, वो उनके औरत आती है, उसकी माता जी बहुत मानती है। दोस्तों अब हमारे नीतीश जी से सुने कि अनुभव ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, पता नहीं इनको, कि औरत जो बीबी आती है उनके जो माता जी होती हैं वो मानती है, ऐसा वगैरह वगैरह हम लोगों में भी सुना है, लेकिन अभी अनुभव वगैरह वगैरह क्या वगैरह वगैरह मतलब जो होता है, जो हम बातों को पलट देते हैं, यही वगैरह वगैरह होता है ना। तो फिर दोस्तों देखते हैं अभी, अभी भाई से पूछते हैं क्या इनका अनुभव है सब्जी बनाने में, ठीक है? और आप सब बने रहिए वीडियो में, ऐसे आगे आपको और कुछ कॉमेडी टाइप का दिखाएंगे। हाँ तो दोस्तों अभी हमारा सब्जी बनाने का टाइम आ गया है, और हमारे अभी भैया हैं जो अभी सब्जी में मिर्ची उर्ची सब काट रहे हैं, और देख लीजिए इनका ये अनुभव हुआ है काटने वाटने का। आप बोलो सब्जी बहुत अच्छा बना रहे हैं। हम आलू बैगन की सब्जी बनाएंगे और आप देखिएगा ये मिर्ची बारीक काट रहे हैं। ए इतना मोटे मोटे काट के आप क्या करेंगे? ये चलता है ना, इसको ना हम डाल देंगे तो ये फ्राई हो जाएगा। और अच्छा लेकिन हम लोग सब्जी है और ये देखिए अच्छे से बनाएंगे सब्जी। ये हमारा सब्जी है, सब्जी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ क्यों नहीं दिखेगा। देखिए हमारे नीतीश भैया, अभी भैया आराम से मस्त मिर्ची काट रहे हैं और सब्जी एक नंबर का मस्त बनाते हैं। थोड़ा स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। अरे आप स्मार्ट हो, देखिए एकदम मस्त बनाए हुए हैं। और आप लोग कमेंट में बताएगा कि अभी भैया दिखते कैसे हैं, ठीक है? सर नहीं, एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है? थोड़ा ज्यादा कूट दिया है भगवान ने, टैलेंट को।
चलिए हम इसी साथ अब अपने नीतीश बाबू से पूछते हैं कुछ अपने बारे में और कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट करवाते हैं आप लोगों को भी। तो नीतीश बाबू आप बताइए, आपसे कुछ पूछना था, ये पूछना था कि आपको सब्जी काटने कब से आने लगा? सब्जी काटता ना पिछले 4 साल से, मतलब सब्जी काटता हूँ पिछले 4 साल से, मतलब आप कॉलेज वॉलेज भी रहते होंगे तो उस समय तो सब्जी काटता भी था, बनाता भी था और भी सब बनाता था और एंजॉय भी करते होंगे दोस्तों के साथ अपने मस्त, है कि ना? और अभी सब्जी काट रहे हैं, अपने खाएंगे, अपने बनाना है, मतलब कुछ भी, मतलब जो करना है अपने करना है। हाँ ये तो सही है, और बनाने की जो रुतबा प्यार से बनाते हैं उसका अलग होता है। तो आप कॉलेज टाइम में किस चीज पे मतलब बनाते थे? कॉलेज टाइम में मेरे पास एक सिलेंडर था और छोटा वाला था, छोटा वाला नहीं वही वाला था, उस साइज का था ना, बड़ा वाला था। तो सब्जी होती अपने ही बनाता था अपने से, यानी आप लोगों को मतलब अनुभव है बनाने वनाने का मस्त, खाना बना रहा हूँ और मैं अपने खाना बना के और खाना पसंद करता हूँ। वो सही है सर, अपना हाथ से जो बना के खाता है वो बीमार उमार भी कम पड़ रहा है। खाना बनाते हैं ना और ये सब्जी बनाते हैं, वो सब बनाते हैं, वो छानने का जैसे कि पापड़ छानना हुआ जी, कॉफी छानना हुआ। और ये हमारे अभी भैया हैं छानने में सबसे आगे हैं, भले तो कम बनाएंगे लेकिन छानेंगे, कभी कभी फोफिया भी छान लेते हैं, पापड़ भी छान लेते हैं, और दाल तो ऐसे बनाते हैं एकदम क्या बोलते हैं तड़का वड़का लगा के मस्त वाला दाल बनाएंगे। देखिए टमाटर वमाटर सब काट लिए हैं, कंदा काट के पहले से डाल लिए हैं, देखिए अच्छा से पका रहे हैं, और इनका लाजवाब ही एक अलग है।